एज एंड पॉइंट फंक्शन। एज एंड पॉइंट फंक्शन क्या होता है कि आपके वर्टिसेस जो होते हैं और एजेस जो होती हैं इनके दरमियान वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है या सिर्फ सिंपली कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है। तो जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम जो है हमारे पास जो ग्राफ है गिवन, इसका हम वर्टेक्स का सेट लिख लेते हैं। इसका वर्टेक्स का जो सेट होगा इसके अंदर हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, v1 v2 v3 एंड v4, v1 v2 v3 एंड v4, ये आपका वर्टिसेस का सेट हो गया। इसी तरीके से आप एजेस का सेट लिख लें। एजेस का सेट क्या होगा आपके पास, e1 e2 e3 e4 e5 एंड e6, e1 e2 e3 e4 e5 एंड e6, ये आपका एजेस का सेट हो गया। तो आप जो है वो इनके बीच में देख सकते हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। वो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि जैसे E1 है, तो E1 जो है वो उसका जो है वो ये जो एज है आपका, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है V1। इसी तरीके से आपका जो E2 है इसके दो एंड पॉइंट्स हैं V1 एंड V2, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि E2 जो है वो उसके एंड पॉइंट जो है वो V1 और V2 है। इसी तरीके से आपका जो E3 है उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, क्योंकि असल में ये लूप है आपके पास। तो E3 आपका क्या हो जाएगा, E3 के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, V2। इसी तरीके से E4 जो है आपका, वो आपका क्या है, E4 जो है वो उसके एंड पॉइंट्स जो है वो V2 और V3 है, V2 एंड V3। इसी तरीके से E5 जो है आपका, E5 के एंड पॉइंट्स क्या हैं, V3 एंड V4। और इसी तरीके से E6 के भी एंड पॉइंट्स क्या आपके पास, V3 एंड V4। तो ये दोनों जो आपके एजेस हैं ये पैरेलल एजेस हैं। तो E5 आपके पास क्या हो जाएगा, V3 एंड V4, और E6 क्या हो जाएगा आपके पास, V3 एंड V4। तो ये जो आप इस तरीके से लिखते हैं इसी को हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं एज एंड पॉइंट फंक्शन। तो एज एंड पॉइंट फंक्शन आपका क्या कर रहा होता है, आपके एजेस और वर्टिसेस के बीच में, यानी कि एंड पॉइंट जो है उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा होता है। अच्छा, जो आपका ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ गिवन हो तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, एज को और एंड पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल एज और एंड पॉइंट्स गिवन है तो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें वैसा ही ग्राफ मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो, हमारे पास जो है ये वर्टिसेस को हम ले लेते हैं, हमारे पास जो वर्टिसेस थे उसको हम ले लेते हैं V1 V2 V3 एंड V4। तो देखें V1 जो है वो इसी, अब जो है हम, अब जो है हम एक एक करके एजेस को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो E1 देखें, E1 का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लूप बन जाएगा और इसका नाम हम E1 रख लेंगे। इसी तरीके से आपका जो E2 है वो V1 और V2 को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम E2 को E2 से जो है वो V1 और V2 को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपका E3 जो है वो V2 उसका एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर भी एक लूप बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास एक लूप बन जाएगा, इसको हम E3 कह देंगे। अब E4 जो है वो V2 और V3 को कनेक्ट कर रहा है, तो E4 आपका V2 से V3 पे एज ड्रॉ हो जाएगा आपका। अब इसके बाद E5 जो है वो V3 और V4 को कनेक्ट कर रहा है, तो ये V3 और V4 को कनेक्ट कर देगा और आपका जो है ये E5 ड्रॉ हो गया। अब E6 जो है वो भी V3 और V4 को कनेक्ट कर रहा है, तो एक और पैरेलल एज ड्रॉ हो जाएगा जो कि E6 होगा। तो देखिए, पहले जो हमारे पास डायग्राम थी और ये वाली जो डायग्राम है, ये दोनों डिफरेंट डायग्राम है। जैसे आपके पास जो है वो पहले ये डायग्राम थी, सेम आपके पास वर्टिसेस थे, सेम एजेस थे, और सेम आपका फंक्शन था एज और एंड पॉइंट फंक्शन, जिससे आपने ये टेबल ड्रॉ किया था। और अब इसी टेबल के ज़रिए आपने एक नया ग्राफ ड्रॉ किया जो थोड़ा सा देखने में डिफरेंट है, लेकिन असल में ये भी सेम ग्राफ ही है। अच्छा, अगर हम जो है वो एजेस को हम इस तरीके से ले लें, सॉरी वर्टिसेस को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, हम जो है वो इसको कह देते हैं V1 और इसको हम कह देते हैं V2 और इसे हम V3 कह देते हैं और इसे V4 कह देते हैं। तो आप देखें ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। हम दोबारा से इसी को देखेंगे कि आपका पहला जो एज है E1, उसका एक एंड पॉइंट है जो कि V1 है।
तो वी वन के ऊपर आपका एक लूप ड्रॉ हो जाएगा, इसको आप ई वन कह देंगे। ई टू जो है वो वी वन और वी टू को कनेक्ट कर रहा है, तो वी वन और वी टू को हम कनेक्ट कर देंगे और इसको हम ई टू कह देंगे। फिर ई थ्री जो है वो वी उसका भी एक ही एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे लूप बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ये लूप बन गया ई थ्री। ई फोर जो है वो वी टू और वी थ्री को कनेक्ट कर रहा है, तो ये वी टू और वी थ्री को कनेक्ट कर देगा आपका ई फोर। और ई फाइव जो है वो आपका वो वी थ्री और वी फोर को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ई फाइव हो गया। इसी तरीके से ई सिक्स जो है वो भी आपका वी थ्री और वी फोर को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ई सिक्स हो गया। तो आपके पास अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे भी आप एज और एंड पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास एज और एंड पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस दी हुई हो, जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो इसके ज़रिए भी आप ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जो है वो दोनों काम कर सकते हैं, आप ग्राफ के ज़रिए वर्टिसेस, एजेस और फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके पास फंक्शन गिवन हो तो आप उससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।